मैं क्या करूं, मेरे अपलाइन मेरी हेल्प ही नहीं करते, मेरे अपलाइन दूसरी कंपनी में भाग के चले गए हैं, मेरे अपलाइन घर से ही नहीं निकलते हैं, मैं क्या करूं। क्या आपके साथ भी ये समस्या आ रही है? दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या आ रही है, और आपके ईमेल्स इतने सारे हमारे पास आए और हमने इस टॉपिक को चुना, और आज मैं इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं कि अगर आपके अपलाइन आपकी हेल्प नहीं करते तो आप किस तरीके से बिजनेस करें, या बिजनेस छोड़ दें, या कंपनी बदलें। ये सारी चीजें आपके मन में आ रही होंगी। सो दोस्तों सबसे पहली चीज, मैं इसको लेकर कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि अपलाइन का रोल क्या है। दोस्तों क्या अपलाइन का रोल ये है कि वो पूरी जिंदगी आपकी हेल्प करता रहे? शायद नहीं। अपलाइन का रोल ये है, उसने आपको बिजनेस में ज्वाइन करवाया, और उसके बाद अगर उस अपलाइन ने आपको बिजनेस की ट्रेनिंग्स दे दी हैं, कम से कम बेसिक्स दे दी हैं, तो अपलाइन का रोल हो गया है, राइट? तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते अपलाइन के साथ कि आपको मेरी हेल्प करनी ही होगी, ऐसा जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, अब आप भी तो किसी की अपलाइन है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको अपनी टीम की मदद करनी चाहिए। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, राइट? लेकिन बहुत सारे लोग इस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते हैं, तो अब क्या किया जाए? तो दोस्तों कंपनी छोड़ना या कंपनी बदलना एक बहुत आसान तरीका है, जो कि ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, मेरा अपलाइन एक्टिव नहीं है, मैं कंपनी बदल लेता हूं। लेकिन कितनी कंपनियां बदलोगे यार? अगर अगली कंपनी में भी अपलाइन एक्टिव नहीं मिला, फिर क्या करेंगे आप? अगर वो व्यक्ति जो अभी आपको प्लान दिखा रहा है, अभी बहुत मोटिवेट कर रहा है, आ जाओ मैं आपकी ये हेल्प करूंगा, वो करूंगा, अगर 15 दिन एक महीने के बाद उसने हेल्प करनी बंद कर दी, तो आप क्या करेंगे? और दोस्तों ये तो होता रहेगा, ये ह्यूमन नेचर है, राइट? जरूरी नहीं है कि हर आदमी एक्टिव हो, जरूरी नहीं है कि हर आदमी दूसरे की मदद करने वाला हो। तो अब करना क्या है? अगर आपका अपलाइन एक्टिव नहीं है, आपका अपलाइन आपकी सपोर्ट नहीं करता है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको अपने आप से कमिटमेंट करना होगा कि मुझे कामयाब होना है नो मैटर व्हाट। इसको मैं अक्सर बोलता हूं कम व्हाट में। अपलाइन एक्टिव नहीं है, क्या फर्क पड़ता है यार? मैं आपको बताऊं, मैंने कई कंपनीज की और मेरे अपलाइन एक्टिव नहीं थे, राइट? मैं जिस कंपनी में था, मेरे अपलाइन ने बहुत पहले बिजनेस छोड़ दिया था, तो मैंने बिजनेस नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कंपनी अच्छी है, मुझे पता है मुझे सक्सेसफुल होना है। मेरे अपलाइन हो सकता है मेरे अपलाइन के ड्रीम्स ना हो, लेकिन मेरे तो हैं। अगर मेरे ड्रीम्स हैं तो मैं करके दिखाऊंगा। तो आपको कमिटमेंट करना होगा कि हाँ, अब ये कमिटमेंट तो आपने अपने आप से कर लिया, लेकिन अब आगे जो हेल्प चाहिए वो कैसे होगा? तो दूसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, कि आप अब आपके एक अपलाइन है, उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, या फिर वो अभी एक्टिव नहीं है, या वो एक्टिव भी है आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, बाकी सबकी मदद करते हैं, तो आप उनके अपलाइन से मिलिए, उनके अपलाइन से मिलिए। आपकी पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, हो सकता है आपके 8 अपलाइन हो, 10 अपलाइन हो, 20 अपलाइन हो, तो आप उन लोगों से डिस्कस करिए, उन लोगों को कॉल करिए, उनको अप्रोच करिए। हो सकता है आपका एक अपलाइन आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा, उन बाकी अपलाइंस में से कोई आपकी सपोर्ट जरूर करे। और दोस्तों अगर कोई भी नहीं कर रहा, तो आप क्रॉस लाइन से भी सपोर्ट ले सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि जब एक बड़े लेवल पर हम आ जाते हैं, तो उसके बाद क्रॉस लाइन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा माइंड इतना ओपन हो चुका होता है। तो आप अपने क्रॉस लाइन से भी सपोर्ट ले सकते हैं। और दोस्तों अगर क्रॉस लाइन से भी सपोर्ट ना मिले, तो आप डायरेक्टली कंपनी को ईमेल करें, बार बार रिमाइंडर भेजें कि जी मैं काम करना चाहता हूं, मुझे ये हेल्प चाहिए। डेफिनेटली कंपनी आपकी मदद करेगी, क्योंकि हर कंपनी चाहती है अपनी सेल बढ़ाना। तो आप ये तीनों काम करिए। नेक्स्ट, अगला तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, अगर आपके अपलाइन एक्टिव नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड करनी चाहिए, इवेंट्स अटेंड करने चाहिए, सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, यानी कि अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। अगर आपके अपलाइन एक्टिव नहीं है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको खुद को और ज्यादा आगे बढ़ाना है, तेजी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, राइट? तो अब आपको और तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, अगर आपके अपलाइन एक्टिव नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हूं। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने अपनी एकेडमी की स्थापना की है, KW एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, और हमारी एकेडमी में आज हजारों लोग हैं, और लगभग भारत की हर कंपनी के लोग हमारी एकेडमी से सीखते हैं,
और हमने कभी आज तक ये भी नहीं पूछा कि आप किस कंपनी से हैं, क्योंकि हमें कंपनी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की एजुकेशन से। तो दोस्तों अगर आपके अप्लाई नहीं भी हैं, डोंट वरी, मैं हूं ना, हमने नीचे लिंक दिया हुआ है आपको, उस लिंक पे क्लिक करिए और आइए ब्लू ओशियन प्रोस्पेक्टिंग। हमारा जो पहला लेवल है वो कोर्स जिसकी कीमत करीब 5,000 रुपये है, मैं आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में ऑफर कर रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करिए और आइए मैं आपको सिखाता हूँ। भाई आपका अपलाइन एक्टिव नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपके अपलाइन का रोल हम भी निभा सकते हैं। और हम लोगों ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, एक ऐसी एकेडमी डेवलप की है जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से सीखते हैं, राइट। और पांचवा पॉइंट दोस्तों, अगर आपका अपलाइन एक्टिव नहीं है तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी, आपको अपना शेड्यूल बनाना होगा। आप अपना रेगुलर शेड्यूल बनाइए, कम से कम आपकी डाउनलाइन को, आपकी टीम को यह महसूस ना हो कि हमारा सुपर अपलाइन एक्टिव नहीं है। आप अपना शेड्यूल बनाकर उस पर काम करें। जब आप अपना शेड्यूल बनाकर उस पर काम करेंगे तो आपकी टीम को अच्छी सपोर्ट मिलेगी, कम से कम आपकी टीम को यह लगेगा कि हमारा जो इमीडिएट अपलाइन है वो एक्टिव है। और दोस्तों अगर आप इन पांचों चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसके बाद आपका अपलाइन एक्टिव है या नहीं है आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन दबाइए और दोस्तों इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके कमेंट्स का मैं इंतजार कर रहा हूं, आप किस किस टॉपिक पर हमारे से वीडियोस चाहते हैं, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा।